अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए बनाऊंगी मज़ेदार चना बिरयानी। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल लिया है हमने 2 कप, उसमें हमने 4 अदद प्याज ऐड कर दी है। उसके अलावा हमने लिए हैं हरी मिर्चें, आधा पाव हमने हरी मिर्चें ली हैं। उसके अलावा एक हरा धनिया की गड्डी और एक पुदीने की गड्डी और 2 कप दही लिया है, उसको हमने ब्लेंड कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पर प्याज के अंदर हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं जो काटे थे, और उसके अलावा गर्म मसाला ऐड करा है, अदरक लहसुन ऐड करा है और आलू ऐड कर दिए हैं। आलूओं को हमने बीच से 2 गोदो करके ऐड करा है क्योंकि हमें इसमें बड़े आलू ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हमने एक आलू के कट में से दो कट करे हैं। और इसके अलावा यहाँ हमने ये पीपली जो है उसको अपना पीस लिया है, तो 4 अदद पीपली जो है वो हमने पीसी थी। और उसके अलावा यहाँ हमने सौंफ और धनिया पीसा है, और उसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए इमली। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अभी हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करा है, और नमक और ये सब चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। और ये मसाला हमारा भुन गया है, उसके बाद हम इसमें अब नमक ऐड करेंगे। तो नमक हमें क्वांटिटी के हिसाब से रखना है। यहाँ हम 2 किलो चावल बना रहे हैं, तो इसमें हमने 4 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने नमक ऐड करा था। तो यहाँ नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने इसमें जो पुदीना और उसका पेस्ट बनाया था वो पेस्ट ऐड कर देंगे। इससे बिरयानी का फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है, आप लोग इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। और इसमें हमने अपने चने ऐड कर दिए हैं। चने ऐड करने के बाद जो है इसमें हमने कड़ी पत्ता ऐड करा है, और कड़ी पत्ता जो है वह ऐड करने के बाद इसमें हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं बीच से कट करके, और बॉईल किए हुए चावल ऐड कर देंगे। ये 2 किलो के सेला राइस लिए हैं हमने, सेला बासमती, और हमने इसको उबाल लिया था। उबालने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है, ऊपर से हमने इसमें कलर ऐड करा है और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और इसको हमने दम दे दिया था। और ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो बन के तैयार है। आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये लोग कितनी मज़े की लग रही है। और आप लोग अपनी नियाज के अंदर इसको ज़रूर बनाएँ। हमने नियाज लगाई थी मुहर्रम हराम की, तो अल्लाह ताला उसको कबूल करें। तो यहाँ देखिए हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो बनके तैयार हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।